Hello everyone, good morning. This is Anilkesh Sharma and welcome back to my channel Oracle Tech India. और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कमांड्स जैसे कि CHOWN चेंज ऑनरशिप कमांड, CHGRP चेंज ग्रुप कमांड एंड TEET कमांड्स के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं कि यूनिक्स में CHOWN चेंज ऑनरशिप कमांड का क्या यूज है। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द यूजर। तो इस कमांड का यूज करते हैं यूजर को चेंज करने के लिए एंड ग्रुप ऑनरशिप, और एक ग्रुप को क्रिएट करके उसको ऑनरशिप देने के लिए भी इस कमांड का यूज करते हैं। तो ऑनरशिप किसके ऊपर? फाइल्स के ऊपर और डायरेक्टरीज के ऊपर। तो यूनिक्स में फाइल्स और डायरेक्टरीज को यूज करने वाले जो यूजर होते हैं उस यूजर को चेंज करने के लिए हम CHOWN चेंज ऑनरशिप कमांड को यूज करते हैं, और फाइल्स और डायरेक्टरी को यूज करने वाले जो ग्रुप होते हैं तो हम यहाँ पे एक ग्रुप को क्रिएट करके उसको उस फाइल्स और डायरेक्टरी के ऊपर ऑनरशिप दे देते हैं, और उस ग्रुप से जितने भी यूजर ऐड होते हैं तो वो फाइल्स और डायरेक्टरी को उस ग्रुप के थ्रू यूज कर सकते हैं। ऑल फाइल्स इन यूनिक्स बिलोंग टू ए यूजर एंड ए ग्रुप। तो यूनिक्स में जितने भी फाइल्स होते हैं वो किसी न किसी यूजर को बिलोंग करते हैं, किसी न किसी ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं। The owner is shown in the third column. तो जब हम चेंज ऑनरशिप कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट में जो थर्ड कॉलम आता है, रिजल्ट में जो थर्ड कॉलम आता है वो इंडिकेट करता है कि उस फाइल का ऑनर कौन है, उस फाइल के यूजर का क्या नाम है। एंड द ग्रुप इन द फोर्थ। और जब हम चेंज ऑनरशिप कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट जब आता है, आउटपुट जब आता है, तो उसमें जो फोर्थ कॉलम है वो इंडिकेट करता है कि उस फाइल के ऊपर कौन से ग्रुप की ऑनरशिप है। तो ऑन लाइनेक्स में ओनली रूट कैन यूज CHOWN चेंज ऑनरशिप कमांड फॉर चेंजिंग ऑनरशिप ऑफ ए फाइल। तो अब यूनिक्स में किसी भी फाइल या किसी भी डायरेक्टरी के ऑनरशिप को चेंज करना, उसके यूजर को चेंज करना है, एक नया ग्रुप क्रिएट करके ग्रुप को जो है उस फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर ऑनरशिप देनी है, तो ये केवल यूनिक्स में जो सुपर यूजर होता है, जो रूट यूजर होता है, जो यूनिक्स का एक तरीके से मैनेजर होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरीके से मैनेजर होता है, जिसको ये परमिशन होता है कि वो किसी भी फाइल्स को यूज कर सकता है, किसी भी फाइल्स को एडिट कर सकता है, कोई भी फाइल्स एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको रूट यूजर बोलते हैं यूनिक्स में, सुपर यूजर बोलते हैं। तो वही सुपर यूजर, वही रूट यूजर जो है फाइल के यूजर, फाइल और डायरेक्टरी के यूजर और यूजर को चेंज कर सकता है, फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर ग्रुप के ऑनरशिप को जो है ग्रुप को क्रिएट करके उसको ऑनरशिप दे सकता है। तो इसलिए जब हम चेंज ऑनरशिप कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले हमें सुपर यूजर या रूट यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि CHOWN चेंज ऑनरशिप कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो वही सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा करके आपको सुपर यूजर या रूट यूजर से लॉगिन करनी है। तो रूट यूजर से लॉगिन करने के लिए SU टाइप करना होता है, फिर एंटर प्रेस करनी होती है, एंटर लिखना नहीं है, उसके बाद पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड देनी है, और इस तरीके से हैश कमांड को ये रिटर्न करेगा, मतलब जो है हैश बिलिंग करेगा वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि आप सुपर यूजर की लॉगिन ले चुके हैं। तो इट रिटर्न्स हैश प्रॉम्प्ट को रिटर्न करता है एंड एक्वायर्ड सुपर यूजर स्टेटस। इसका मतलब कि आपने सुपर यूजर का स्टेटस एक्वायर्ड कर लिया है, मतलब सुपर यूजर से आपने लॉगिन कर ली है। अब जो है चेंज ऑनरशिप कमांड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले
हम ये चेक करेंगे, हमारे पास एक फाइल है node.txt फाइल, तो उस node.txt फाइल को हम उस node.txt फाइल पे हम चेक करेंगे कि इस फाइल के ऊपर यूज़र कौन है, कौन सा यूज़र इस फाइल को यूज़ कर रहा है और कौन सा ग्रुप, किस ग्रुप की ऑनरशिप इस फाइल के ऊपर है। तो ये दोनों बातें जानने के लिए हमें क्या करना है, ls-l और उसके बाद जिस भी फाइल के बारे में ये चीज़ जाननी है उस फाइल का नाम लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, तो आउटपुट में ये क्या दिखाएगा, आउटपुट में दिखाएगा ये हाइफन का मतलब ये है कि जो फाइल नेम दी है वो एक टेक्स्ट फाइल है, अगर यहाँ पर डी होता तो वो डायरेक्टरी फाइल होती, लेकिन यहाँ पर ये हाइफन है तो इसका मतलब वो टेक्स्ट फाइल है। उसके बाद फर्स्ट थ्री कैरेक्टर वो यूज़र को शो करता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं, हाइफन का मतलब कि एग्जीक्यूट परमिशन उसको नहीं दी गई है। तो यूज़र को node.txt फाइल के ऊपर रीड परमिशन है, राइट परमिशन है और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड थ्री कैरेक्टर है, रीड परमिशन और राइट परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, तो यहाँ पर रीड परमिशन किसको है, ग्रुप को, ग्रुप को यहाँ पर जो सेकेंड थ्री कैरेक्टर आता है वो ग्रुप के लिए आता है, तो ग्रुप को रीड परमिशन दी गई है, राइट परमिशन उसके पास नहीं, इस हाइफन का मतलब राइट परमिशन नहीं है उसके पास और इस हाइफन का मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। परमिशन जो है वो तीन तरीके के होते हैं, रीड, पहले को रीड बोलते हैं, दूसरे को राइट बोलते हैं, तीसरे को एग्जीक्यूट बोलते हैं और दूसरे थ्री कैरेक्टर को ग्रुप बोलते हैं। पहले थ्री कैरेक्टर को यूज़र बोलते हैं, दूसरे थ्री कैरेक्टर को ग्रुप बोलते हैं और तीसरे थ्री कैरेक्टर को अदर बोलते हैं। तो दूसरे थ्री कैरेक्टर पे जो है ग्रुप होता है, तो ग्रुप को यहाँ पर रीड परमिशन दी गई है, राइट परमिशन नहीं दी गई है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दी गई है। उसके बाद यूज़र को यहाँ पर रीड परमिशन दी गई है, राइट परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। तो ये तो हो गया परमिशन के बारे में। अब यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है ये रूट, रूट का मतलब यहाँ पर है कि node.txt फाइल को यूज़ करने वाला जो यूज़र है वो रूट यूज़र है और node.txt फाइल के ऊपर ग्रुप की जो ऑनरशिप है वो रूट नाम का एक ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, तो उस रूट नाम के ग्रुप की ऑनरशिप node.txt फाइल के ऊपर है, मतलब रूट ग्रुप से जितने भी यूज़र जुड़े हुए होंगे और इस रूट की node.txt फाइल के ऊपर ऑनरशिप है, तो जो भी यूज़र इस रूट ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सारे यूज़र node.txt फाइल को यूज़ कर सकते हैं और ये आपका फाइल का नाम है। तो इस तरीके से ls-l और फाइल का नाम दे करके मैंने ये जान लिया है कि इस फाइल के ऊपर ऑनरशिप किसकी है, मतलब इस फाइल का यूज़र कौन है और इस फाइल के ऊपर किस ग्रुप की ऑनरशिप है। अब मुझे जो है यूज़र को चेंज करना है, रूट यूज़र से चेंज करके, मतलब अभी node.txt फाइल के ऊपर यूज़र जो है वो रूट यूज़र है, मैं दूसरे यूज़र को node.txt फाइल के ऊपर ऑनरशिप देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रूट यूज़र उस फाइल को ना पढ़ करके कोई दूसरा यूज़र उस फाइल को रीड राइट जो भी करना है वो करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जा करके मैं हैश कमांड पे जा करके हैश मोड पे कमांड मोड पे जा करके मतलब हैश कमांड मोड पे मैं लिखूँगा chown चेंज ऑनरशिप और उसके बाद जिस भी यूज़र को मैं ऑनरशिप देना चाहता हूँ फाइल के ऊपर, केवल वही यूज़र उस फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट वगैरह कर सकता है जो भी परमिशन दी गई है उसको chmod के थ्रू। chmod कमांड मैंने पिछले स्लाइड में बताया है जिसमें मैंने बताया है कि किसी भी यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन कैसे देते हैं। तो यहाँ पर जो है chown चेंज ऑनरशिप कमांड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, रूट यूज़र को हटा करके मैं अनिल नाम के एक यूज़र को node.txt फाइल के ऊपर ऑनरशिप देना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि node.txt फाइल को यूज़ करने वाले जो यूज़र होंगे वो रूट यूज़र नहीं होगा, वो अनिल नाम का व्यक्ति उस फाइल का यूज़र होगा और वही अनिल नाम का व्यक्ति जो है node.txt फाइल को यूज़ कर सकता है। बट हाँ,
अनिल नाम के व्यक्ति को उस नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर कौन कौन से परमिशन दी गई है, रीड राइट एग्जीक्यूट में से कौन सा परमिशन उसको मिला है, तो वो परमिशन देना डिसाइड करते हैं सी एच मोड कमांड के थ्रू। तो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने सी एच मोड कमांड के ऊपर ही पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी जा कर के समझ लीजिए, तो ही आपको सी एच ओ डब्ल्यू एन और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैंने अनिल नाम के यूज़र को दिया है नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर ऑनरशिप और एंटर प्रेस करूँगा। तो इसमें क्या किया मैंने कि फाइल ऑनरशिप टू यूज़र अनिल, मैंने क्या किया अनिल नाम के व्यक्ति को जो है फाइल की ऑनरशिप दे दी है किस पर, नोट डॉट टी एक्स टी फाइल। अब अनिल नाम का यूज़र ही नोट डॉट टी एक्स टी फाइल को यूज़ करेगा। अब मुझे चेक करना है कि अनिल नाम के यूज़र को ऑनरशिप मिली है या नहीं मिली है, तो वही ls hyphen l और फाइल का नाम दे करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि थर्ड कॉलम में बताता है कि इस फाइल का यूज़र कौन है, और इस फाइल और चौथे कॉलम में बताता है कि इस फाइल का ग्रुप कौन सा है, किस ग्रुप की ऑनरशिप है। तो यहाँ पर अनिल आया है थर्ड कॉलम में, तो इसका मतलब नोट डॉट टी एक्स टी फाइल जो यूज़ नोट डॉट टी एक्स टी फाइल को यूज़ करने वाला जो रूट यूज़र था वो चेंज हो करके अब अनिल यूज़र को मिल गया है। मतलब अब अनिल जो यूज़र है वही नोट डॉट टी एक्स टी फाइल को यूज़ करेगा, और रूट नाम का जो ग्रुप है वो पहले की ही तरह इस फाइल के ऊपर इस रूट ग्रुप की ऑनरशिप है। और ये आपका नोट डॉट टी एक्स टी, ये आपका फाइल नेम है। अब आगे देखते हैं कि चेंज ऑनरशिप कमांड का और क्या यूज़ है। तो यूनिक्स में किसी फाइल के ऊपर ग्रुप को क्रिएट करके उस ग्रुप को उस फाइल के ऊपर ऑनरशिप देने के लिए भी हम चेंज ऑनरशिप कमांड को यूज़ करते हैं। तो सिंपली एक फाइल के ऊपर ग्रुप को क्रिएट करने के लिए और उसको ऑनरशिप देने के लिए हम कमांड को इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले सी एच ओ डब्ल्यू एन टाइप करके उसके बाद उस फाइल के यूज़र का नाम देना है। तो किसी भी फाइल के यूज़र का नाम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ls hyphen l और उस फाइल का नाम दे करके एंटर जब प्रेस करेंगे तो थर्ड कॉलम जो आउटपुट में या रिजल्ट में शो करेगा वो उस फाइल का यूज़र होगा, और फोर्थ कॉलम जो उस आउटपुट या रिजल्ट में शो करेगा वो उस फाइल का ग्रुप का नाम होगा। तो सिंपली थर्ड कॉलम में जो होता है वो उस फाइल का यूज़र का नाम होता है। तो इस तरीके से ls hyphen l और फाइल का नाम दे करके हम उस फाइल के यूज़र का पता कर सकते हैं। तो यूज़र का नाम लिखेंगे तो मेरा नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर जो यूज़र है उसका नाम है अनिल, और उसके बाद जब हम ग्रुप को क्रिएट करते हैं तो कॉलन लगा करके, यूज़र के साथ कॉलन को लगा करके उस ग्रुप का नाम लिखते हैं, और उसके बाद उस फाइल का नाम देते हैं जिस पर उस ग्रुप की ऑनरशिप देनी है, और उसके बाद एंटर को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑनर क्या है, ऑनर इज सेट टू अनिल, यहाँ पर ऑनर क्या है अनिल है, मतलब नोट डॉट टी एक्स टी फाइल को यूज़ करने वाला यूज़र है। उसके बाद मैंने एक कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद एक ग्रुप का नाम दिया समीर, तो एक ग्रुप ऑनरशिप इज ऑल्सो सेट टू समीर ग्रुप। तो एक ग्रुप का नाम दिया मैंने समीर, उसके बाद फाइल का नाम दिया और एंटर प्रेस किया, तो अब जो है नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर एक ग्रुप क्रिएट हो गया समीर नाम का ग्रुप, और उस समीर नाम के ग्रुप की ऑनरशिप हो गई नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर। इसका मतलब ये है कि उस समीर ग्रुप में अब जितने भी यूज़र्स ऐड किए जाएंगे वो सारे यूज़र नोट डॉट टी एक्स टी फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर जो मैंने एक समीर नाम का ग्रुप बनाया है और नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर उसकी ऑनरशिप गई है या नहीं गई है, तो वो चेक करने के लिए सिंपली आप लिखेंगे ls hyphen l और फाइल का नाम दे करके एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे शो करेगा
तो यहाँ पर हाइफन का मतलब जो फाइल का नाम है वो ऑर्डनरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ये यूजर फर्स्ट 3 कैरेक्टर यूजर के लिए होता है, सेकंड 3 कैरेक्टर ग्रुप के लिए होता है, और थर्ड 3 कैरेक्टर जो है यूजर के लिए होता है, अदर यूजर के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है वो शो कर रहा है कि नोट डॉट टी एक्स टी फाइल का जो यूजर है वो अनिल है, और नोट डॉट टी एक्स टी फाइल का जो ग्रुप है उस फाइल के ऊपर जो ग्रुप की ऑनरशिप है वो समीर ग्रुप की ऑनरशिप है, तो ये समीर आ गया यहाँ पर, और ये आपका फाइल का नाम है। तो इस तरीके से एक ग्रुप को क्रिएट करके CHOWN कमांड के थ्रू जो है एक फाइल के ऊपर ग्रुप को ऑनरशिप दी जाती है। अब जो है मैं एक दूसरा ग्रुप क्रिएट करके उस फाइल के ऊपर नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर ऑनरशिप देना चाहता हूँ, तो मैं दूसरे ग्रुप को इस तरीके से भी क्रिएट कर सकता हूँ CHOWN कमांड टाइप करके, और यूज़र का नाम ना दे करके सिंपली कॉलन लिख करके, और जो ग्रुप मुझे क्रिएट करना है उस ग्रुप का नाम मैंने दे दिया TDS, TDS दे करके एक फाइल का नाम दे दिया, उसके बाद एंटर प्रेस कर दी। तो अब क्या है, अब जो है नोट डॉट टी एक्स टी फाइल का यूज़र जो होगा वो अनिल ही होगा, बट उसका जो ग्रुप है, ग्रुप एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया है, TDS नाम का एक ग्रुप क्रिएट हो गया है, और उस TDS ग्रुप की ऑनरशिप अब नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर जो है मैं नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर मैं ग्रुप को ही चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर ग्रुप की जो ऑनरशिप हो वो दोबारा से जो है समीर नाम के ग्रुप की ऑनरशिप हो जाए। तो यहाँ पर हम समीर नाम का जो ग्रुप है वो ऑलरेडी क्रिएट है, क्रिएटेड है, और TDS नाम का जो ग्रुप है ये भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जब मैं TDS नाम के ग्रुप को चेंज करूँगा, समीर नाम के ग्रुप को ऑनरशिप दूंगा इस फाइल के ऊपर, तो ग्रुप को चेंज करने के लिए मैं यूनिक्स में CHGRP चेंज ग्रुप कमांड को यूज़ करूँगा। तो याद रहे कि जो ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं ग्रुप को आपस में मुझे चेंज करना है, उन्हीं ग्रुप को चेंज करके मुझे उस फाइल के ऊपर ऑनरशिप देनी है, तो मैं चेंज ग्रुप कमांड को यूज़ करूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि एक नया ही ग्रुप क्रिएट करके उस फाइल के ऊपर ऑनरशिप दूँ, तो यूज़र, यूज़र के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद उस ग्रुप का जो नया ग्रुप मुझे क्रिएट करना है उस ग्रुप का नाम दे करके फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा CHOWN कमांड को, तब एक नया ग्रुप क्रिएट हो करके उस फाइल के ऊपर जो है उसको ऑनरशिप मिल जाएगी। तो ये जो बातें बताई है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने क्या किया, एक नए ग्रुप को क्रिएट किया TDS ग्रुप को। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर इस ग्रुप की ऑनरशिप आई है या नहीं आई है, तो सिंपली ls-l नोट डॉट टी एक्स टी फाइल करके एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम शो कर रहा है कि नोट डॉट टी एक्स टी फाइल का यूज़र अनिल है, और फोर्थ कॉलम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि नोट डॉट टी एक्स टी फाइल के ऊपर अब जो जिस ग्रुप की ऑनरशिप आ गई है वो आ गई है TDS ग्रुप की ऑनरशिप आ गई है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है CHGRP कमांड, चेंज ग्रुप कमांड। तो आइए देखते हैं कि चेंज ग्रुप कमांड का क्या यूज है। तो इट इज यूज टू चेंज ग्रुप एसोसिएटेड विद फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो एक फाइल और एक डायरेक्टरी के ऊपर कोई ग्रुप उससे एसोसिएटेड है तो उस ग्रुप को चेंज करने के लिए चेंज ग्रुप कमांड का जो है यूज करते हैं। एनी यूजर कैन चेंज द ग्रुप टू अनदर ग्रुप ही बिलोंग्स टू। तो एक ग्रुप से बिलोंग करने वाला जो यूजर है वो भी एक ग्रुप को चेंज कर सकता है, मतलब उस फाइल्स के ऊपर, उस डायरेक्टरी के ऊपर उस ग्रुप की ऑनरशिप को हटा करके दूसरे ग्रुप को ऑनरशिप दे सकता है। तो सिंपली इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो आपको जो है ls-l node.txt ये फाइल का नाम है,
इसको एंटर करेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि उस फाइल को यूज करने वाला यूजर कौन है, अनिल है थर्ड कॉलम में, और उसके ऊपर किस ग्रुप की ऑनरशिप है, तो TDS ग्रुप की ऑनरशिप है। तो अब TDS ग्रुप की ऑनरशिप को हटा करके मुझे जो है यहाँ पर दूसरे ग्रुप को यहाँ पर चेंज करना है। तो लेट सपोज मैंने एक ग्रुप बनाया था, समीर नाम का ग्रुप बनाया था पिछले स्लाइड में, तो हम चाहते हैं कि TDS ग्रुप यहाँ से चेंज होकर के समीर ग्रुप की ऑनरशिप इस फाइल के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमें जो है node.txt फाइल के ऊपर अब जो ऑनरशिप लेनी है जिस ग्रुप की, वो हमें समीर ग्रुप की ऑनरशिप लेनी है node.txt फाइल के ऊपर। तो सिंपली चेंज ग्रुप कमांड का यूज हम एक फाइल के ऊपर ग्रुप को चेंज करने के लिए करते हैं, और वो ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। अगर एक नया ग्रुप क्रिएट ही करना है तो वो चेंज ऑनरशिप कमांड से उस ग्रुप को क्रिएट करके और उस फाइल के ऊपर ऑनरशिप देते हैं, जो कि मैंने इसके पिछले स्लाइड में समझा दिया है। बट ऑलरेडी 2, 3, 4, 5 ग्रुप क्रिएटेड है और हम सिंपली किसी फाइल के ऊपर उस ग्रुप को ही चेंज करना चाहते हैं कि भाई इस ग्रुप की ऑनरशिप को हटा करके मुझे दूसरे ग्रुप की ऑनरशिप को इस फाइल के ऊपर लगानी है। तो ऐसे ग्रुप को चेंज करने के लिए हम chgrp कमांड को यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल है ये कमांड। सिंपली आपको ग्रुप को अगर चेंज करना है तो सिंपली आप chgrp कमांड यानी कि ग्रुप कमांड को टाइप करके और जो आपका ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है उनमें से किसी भी ग्रुप का नाम दे देंगे। तो मेरा समीर नाम का ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है तो समीर मैं सिंपली टाइप कर दूंगा और उस फाइल का नाम दे दूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो node.txt फाइल के ऊपर जो ग्रुप की ऑनरशिप थी वो TDS ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप है, उस TDS ग्रुप की ऑनरशिप यहाँ पर थी। तो अब उस TDS ग्रुप की ऑनरशिप यहाँ पर चेंज हो करके अब समीर ग्रुप की ऑनरशिप इस पर आ गई है। तो चेक करना है तो सिंपली आप ls-l node.txt को लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो थर्ड कॉलम में ये दिखाएगा कि node.txt फाइल का यूजर अनिल है और node.txt फाइल के ऊपर जो ग्रुप पहले TDS हुआ करता था अब समीर ग्रुप की ऑनरशिप node.txt फाइल के ऊपर आ गई है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी फाइल के ऊपर एक नया ग्रुप क्रिएट करके उस ग्रुप को अगर उस फाइल के ऊपर ऑनरशिप देनी है तो चेंज ऑनरशिप कमांड के थ्रू वो काम होता है, जो इसके पिछले स्लाइड में मैंने समझा दिया है। और ऑलरेडी 2, 3, 4, 5 ग्रुप बने हुए हैं तो किसी फाइल के ऊपर सिर्फ ग्रुप को चेंज करना है हमें, तो चेंज करने के लिए chgrp कमांड को यूज करके उसके ग्रुप को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा चेंज ऑनरशिप कमांड को और चेंज ग्रुप कमांड को। अब हमारे पास थर्ड कमांड जो है वो है TEET कमांड। तो टी कमांड का क्या होता है, फॉर पाइपलाइन मींस कमिंग आउट ऑफ वन फाइल इज टेकन एज एन इनपुट फॉर अनदर फाइल। तो कोई भी कमांड हम टी का मतलब ये एक पाइपलाइन का काम करता है। पाइपलाइन का मतलब कि यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे जा करके हम कोई भी कमांड लिखते हैं, जैसे हु कमांड लिखते हैं और हु कमांड का जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को हम चाहते हैं कि किसी फाइल में आकर के वो रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए बीच में टी कमांड का यूज करते हैं। तो कैसे, तो आपको यूनिक्स के डॉलर कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको लेट सपोज मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट किया है WHO। हु कमांड क्या करता है कि यूनिक्स पर जितने भी यूजर्स पूरे दिन में लॉग इन हुए हैं उस यूजर्स की पूरी लिस्ट ये शो करेगा। बट अगर मैं हु कमांड के बाद पूरा ये ना लिख करके सिंपली हु कमांड को एग्जीक्यूट कर दूं तो आउटपुट में यूनिक्स पे जितने भी बंदे लॉग इन हुए थे उन सब के लिस्ट नीचे दिखा देगा कि ये बंदा
इस टर्मिनल से इतने बजे इतने तारीख को इस सिस्टम पे लॉगिन हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि हु कमांड का जो भी आउटपुट आए, जो भी रिजल्ट आए, वो यूजर डॉट txt फाइल में आकर के रिकॉर्ड हो जाए। तो उसके लिए मुझे बीच में क्या करना पड़ेगा, एक पाइपलाइन डाल करके शिफ्ट दबा करके बैक स्लैश को क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से पाइपलाइन आ जाएगा, और उसके बाद TEE कमांड को लिखेंगे और लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो ये क्या करेगा, हु कमांड से जितने भी यूजर्स की लिस्ट जनरेट होगी वो सीधे जा करके यूजर डॉट txt फाइल में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, कॉपीज ऑल द यूजर रिसेंटली लॉग्ड इन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी यूजर्स रिसेंटली लॉग्ड इन हुए हैं उन सारे यूजर्स की लिस्ट को कॉपी करके यूजर डॉट txt फाइल में डाल देगा। तो यहाँ पर हु कमांड क्या कर रहा है, इट शोज ऑल द यूजर रिसेंटली लॉग्ड इन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी यूजर्स लॉग इन हुए हैं उसकी लिस्ट ये शो करता है। और ये क्या है आपका, ये पाइपलाइन है। पाइपलाइन का मतलब यहाँ पे हु कमांड और यूजर डॉट txt दोनों फाइल को ये ऐड करेगा, जोड़ने का काम करेगा, और टी कमांड क्या करेगा, ये जो भी आउटपुट आपका हु कमांड से आएगा उसको एज एन इनपुट ले करके जो है यूजर डॉट txt फाइल में ले जा करके कॉपी कर देगा। तो बेसिकली हमारा यूनिक्स का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है, और जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी यूनिक्स के कमांड्स को लेकर के हाजिर होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।